सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप 95 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो। यस, बिल्कुल आसानी से आप 95 प्लस ला सकते हो, जिन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है, यहाँ तक वो स्टूडेंट भी 90 प्लस ला सकता है। बट ऐसा क्या करना होगा, कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें फ्रेंड्स जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपका इंग्लिश 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, अब तक तो ये आपको रटा चुका होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, उसमें अनसीन पैसेज होता है। फिर सेक्शन बी आपका ग्रामर और राइटिंग होता है जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी आपका लिटरेचर होता है जो आपका 40 मार्क्स का होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो कर लो, तो उसमें सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सब तक कोई जिसका आंसर नहीं आ रहा उसका क्वेश्चन आप बना के लिख दो, बिकॉज स्टोरीज तो पता ही है, उसका आंसर आप बना के लिख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन बी आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ग्रामर में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, देखो ग्रामर में मोस्टली जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन आपका नरेशन मतलब की रिपोर्टेड स्पीच से पूछा जाएगा। ठीक है, दो लोगों के बीच में वहाँ पे बातचीत चल रही है एंड उसका कन्वर्सेशन आपको वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में लिखना होगा। तो उसका क्वेश्चन आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके आ जाना, बिकॉज उसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फिर ग्रामर में आता है एरर एंड करेक्शन। जैसे की जैसे मैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका 2020 का है। ठीक है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन। तो यहाँ पे एक एरर है हर एक लाइन में, तो आपको एरर फाइंड करना है एंड फिर उसको करेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट आपका लाइन है तालम इज सिचुएटेड इन एन, तो जब भी सिचुएटेड है तो यहाँ पे ये इन नहीं होगा, यहाँ पे ये एट होगा, तो एरर आपका इन है एंड करेक्शन उसका एट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 फीट ऑन द सदर्न, यहाँ पे ये ऑन ए नहीं, यहाँ पे ये ऑन द होगा, तो इसका करेक्शन द हो गया। फिर नेक्स्ट क्या, आर्म ऑफ अ डीप बे ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो ये ऑफ द गलत है, यहाँ पे ये ऑफ की जगह पे यहाँ पे इन द वेस्टर्न घाट होना चाहिए। ठीक है, तालम बोस्ट ऑफ डिलाइट फॉरेस्ट सीनरी, तो यहाँ पे ये डिलाइट जो है वो एरर है, इसके जगह पे इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्शन डिलाइट फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपको एरर एंड करेक्शन फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आपके प्रीपोजिशन हो गए, मॉडल्स बहुत इजी होते हैं, शुड और वुड का आप यूज सीख लो। ठीक है, कहाँ पे शुड यूज करना है एंड कहाँ पे वुड, बिकॉज ये दोनों बहुत ही एक इजी चीज है जिसको अगर आप सीख लेते हो तो आप एक का एक या दो नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ, उसमें आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मतलब कि ए होता है, एन होता है, दा होता है। तो एक सिंपल सा जैसे बचपन में रूल लगाते थे कि ए कब हम लगाते हैं किस सेंटेंस में, ऐसे बचपन में ही पढ़े थे, जैसे का खा गा आता है तो उसका मतलब उच्चारण रहता है, तो वहां पे आप ए यूज कर सकते हो, और आई ए रहता है तो वहां पे आप एन यूज कर सकते हो। ये सिंपल से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीका से आप डिटरमाइनर समझ सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका यूज करके आंसर लगा सकते हो। ठीक है, दा कहाँ यूज करते हैं, कुछ स्पेशल थिंग के लिए दा का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह का डिटरमाइनर आपसे पूछेगा तो आप इन बातों का ख्याल रखना। राइटिंग आ जाता है आपका, लेटर में क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो, ये फॉर्मेट आप याद कर लेना, सेंडर एड्रेस, जो उसका एड्रेस है, जो उसके नाम है, सब्जेक्ट है, जो ऊपर के फॉर्मेट है फ्रेंड्स, वो याद कर लो, रट लो। ठीक है, टीचर्स का नजर सबसे पहले लेटर में वहीं जाएगा, फिर लास्ट में जाएगा, ऊपर का एक या दो लाइन में जाएगा, बीच में आप क्या लिख रहे हो टीचर शायद नहीं भी उसको देखे। ठीक है, शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ टीचर अच्छे से भी कॉपी चेक कर सकते हैं, बट मोस्टली यही होता है इन केस कि आपका मिडिल वाला उतना ध्यान से नहीं देखा जाता। लेटर में आपका इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट और उसका एंडिंग आप अच्छे से करो। ठीक है, तो वो फॉर्मेट आपको कैसे याद होंगे फ्रेंड्स, सिंपल सा, मैं ऑलवेज हर एक वीडियो बोलती हूँ कि आप अगर आपको कोई चीज याद करना है उसको लिख के याद करो, 3 से 4 से 5 बार कॉपी में बिना देखे लिख लिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला, फिर नहीं आप भूलने वाले हो, बट अगर आप लिखते हो तो। ठीक है, इंग्लिश में मेन चैलेंज आपका बन जाता है पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाना। इंग्लिश में फ्लो फ्लो में बच्चे इतना ज्यादा लिख देते हैं, इतना ज्यादा लिख देते हैं कि उनके पास टाइम ही खत्म हो जाता है, टाइम नहीं बचता है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग में आपके रहेंगे आर्टिकल रहेंगे, स्टोरीज रहेंगे, तो उसमें ध्यान से चूज कर लेना आर्टिकल और लेटर के बीच में आपको क्या लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छे से आता हो आप उसी को लिखना। ठीक है, बीच में फंस मत जाना, एकदम क्लियर माइंड से कि मुझे क्या करना है, फिर उसी को चूज करना। अब मैं बात करती हूँ सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। तो इन पैसेज में क्या करना होता है मेनली, पता क्या कि अगर आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जितने लाइन आपने पढ़ा है उसके बाद से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर नीचे मिक्स कर देगा, ऐसा नहीं करता है क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के नीचे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप पैराग्राफ में भी नीचे बढ़ते जाते हो। ठीक है, फिर पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया, मान लेते कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समझने की जरूरत है फ्रेंड, आपको समझने की जरूरत है उस पूरे सेंटेंस को। ठीक है, कि आखिर मोरल मतलब मेनली ये कहना क्या चाह रहा है, इससे समझो। एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझ में आता उस चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है,
और मान लीजिए कि कोई आपका क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस रहेंगे फ्रेंड्स वो अच्छे से आपको इजीली मिल जाएंगे पैराग्राफ में, ठीक है। और अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा ऑप्शंस में तो फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एंटोनिम पूछ लिया, साइनोनिम पूछ लिया, तो वो सब आपको नहीं आ रहा उस वर्ड का, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप एक मेथड का यूज कर सकते हो, वो है आपके इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मान लीजिए आपके चार ऑप्शंस है, ठीक है, उन चारों में से कुछ ऐसे दो ऑप्शंस होंगे जो उस आंसर का, उस क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होता, उसको आप कट कर दीजिए। बच्चे आपके पास दो ऑप्शन जो उसका सबसे करीब आपको लगेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसको टिक कर दो, बिकॉज आपको आंसर आते नहीं है उस टाइम पे, ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये चीज सबसे ज्यादा करीब लग रहा है तो ये इसका आंसर होता है, और ये केस में मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर जो है वो करेक्ट ही पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको उपाय लगाओगे ना ताकि आपका आंसर सही हो जाए, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। जो पैराग्राफ होते हैं फ्रेंड्स वो काफी आपके टाइम टेकिंग होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, आप घर से ही टाइम लिमिट बना के जाना, 15 मिनट 20 मिनट से मुझे एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेना, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, बिकॉज आपके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं जिसका आंसर आपको लिखना है, लिटरेचर में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, अभी 20 मार्क्स के बनाने के चक्कर में उधर 40 नंबर तो नहीं छोड़ सकते है ना, ठीक है, समझदारी से काम लेना। तो घर पे या सैंपल पेपर अगर कोई सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे देख लो कि आपको एक पैराग्राफ बनाने में, एक आंसर पैसेज बनाने में कितना टाइम जा रहा है, ठीक है। और अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका होता है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लिटरेचर में फर्स्ट जो आपको काम करना है वो है सारे ऑथर्स का, पोएट का नाम याद कर लेना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल भी मत भूलना ऑथर्स नेम, पोएट नेम आपका हो तो आप क्या करो, एक पेज लो और उसमें अपने बैठ जाओ शांति से और अपने दिमाग में जितना चैप्टर्स है सबका जो जो ऑथर नेम याद आ रहा है वो लिखते जाओ, ठीक है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ लिखना, लिखने से आपको हमेशा याद होता है, तो बस कॉपी पे सबका नाम लिखते जाओ, जरूर याद हो जाएगा। और लिटरेचर क्या है, स्टोरी। अगर इंग्लिश में आपको स्टोरीज याद है तो क्यों नहीं आप उसको अपने लैंग्वेज में बना के आंसर लिखो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपको नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, इंग्लिश है उसका फायदा उठाना है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका सेम टू सेम लाइन आंसर में लिखना है, उसके बाद जो स्टोरी से आपको रिलेट कुछ याद आ रहा है उसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख दो, खाली मत छोड़ो, ठीक है, लिख दो। और अगर दो मार्क्स क्वेश्चन है तो थोड़ा 3 या 4 लाइन लंबा लिख दो, 5 लाइन, तो टीचर को उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा कि इतना बड़ा तो लिखा हुआ है। अगर 2 लाइन में आप एंड कर देते हो टीचर्स को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अगर जिसका आंसर आपको नहीं आता उसको थोड़ा बड़ा करके लिख दो तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आपके एक्सट्रैक्ट गिवन है उस एक्सट्रैक्ट से ही आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हो, पूरा स्टोरी आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ लो आप, फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एज सून एज द पायलट वॉज इनसाइड द क्लॉड, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, इनसाइड द क्लॉड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, आई लुक एट कंपास, तो क्लाउड्स के अंदर क्या था, सब कुछ जो है वो ब्लैक हो चुका था, कुछ भी देखना इम्पॉसिबल हो गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सी, हिज विजन वाज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब पूरा का पूरा क्लाउड की वजह से वो अंधेरा हो गया था, कुछ भी वहां पे दिख नहीं रहा था। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट से आंसर फाइंड कर ले रहे हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लो, द डिवाइस इन द एरोप्लेन वर, क्या हुआ था डिवाइस उसका, यहाँ पे देखो डिवाइसेस क्या हुआ था, आई लुक एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज, वॉज कंपास वर टर्निंग अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो उसका कंपास था, जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो सडनली डेड हो गए, मतलब बंद हो गए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग कम्प्लीटली, कुछ भी वहां पे वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे उसका आंसर भी आपको मिलता जाता है। आप सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट से रीड करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ के उसके आगे भी रीड करोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन में और दिया हुआ रहता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा बनाना है, प्लीज इसमें सही से चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक्साइटमेंट में जो चूज कर लिए वो उसका आंसर आपको थोड़ा सही आता, बनाते बनाते पता चला कि उसका आंसर तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। सही चूज करना, कट करके आप बाद में सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपका टाइम वेस्ट हुआ ना, ये नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। That's all friend, I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।